हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी में कविता चार और बुलाओ एक जना, ये कविता हम करने वाले हैं। तो पेज नंबर 30 पेज नंबर 30। दादाजी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना। दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बुट्टा। दादाजी ने क्या बोया था? एक बीज बोया था, मतलब कि दाना। गाजर का पेड़ लगाने के लिए उसने दाना बोया था और दाने में से किल्ला फूटा, मतलब कि अंकुर फूटा और वह बन गया बुट्टा। बुट्टा यानी पौधा, वह पौधा बन गया। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गरम गरम पकाऊं। उसने सोचा अब थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हो रहा है तो मैं उसे तोड़ के ले आऊं। यहाँ पे गाजर आपको दिखाई दे रहा है ना? उसको क्या बनाना था? गाजर का हलवा बनाना था। पकड़ी चोटी, जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया। कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। और बुलाओ एक जना यानी कोई एक दूसरे आदमी को भी बुलाओ, क्योंकि ये यहाँ से हिलता भी नहीं है। और जोर से उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हाथ में नहीं आता है। और बोल रहे कि और भी एक जना को बुलाओ, तो ये हम निकाल सकते हैं। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया। कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। सबने हाथ मिलाया, उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं निकला। तब दादाजी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया। नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। यहाँ देखो उसका पोता भी आया है, लेकिन फिर भी गाजर नहीं निकल रहा है। तब दादाजी का कुत्ता आया, हाफ हाफ कर जोर लगाया। कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। एक के बाद एक आते गए, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाया। यहाँ पे कुत्ता दिखाई दे रहा है ना? तब दादाजी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चिखा चिल्ली। सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। और फिर बिल्ली भी आई और सबने मिलकर ऐसा जोर लगाया कि गाजर को उखाड़ दिया। एक अकेला कर न पाया, सबने मिलकर हाथ बटाया। मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी काम हम मिलजुल कर करते हैं तो वो जल्दी से पूरा हो जाता है और उसमें हमें सफलता भी मिलती है और वो कार्य जल्दी से पूरा हो जाता है। और सबके साथ करने में एक अलग ही ताकत होती है, अलग ही जोर होता है। इसीलिए हमें सबके साथ मिलकर कोई भी कार्य करना चाहिए। अकेले करेंगे तो देर भी लगेगी और ताकत भी हमारी नहीं लगेगी। इसीलिए कोई भी कार्य हमें मिलजुल कर करना चाहिए। आपको होमवर्क में इसके शब्दार्थ लिखने हैं। क्या लिखना है? चैप्टर 4 कविता है, उसके शब्दार्थ है, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। और चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। दाना यानी बीज, किला यानी अंकुर, ताकत यानी बल, चोटी यानी ऊपरी हिस्सा, गाजर का ऊपरी हिस्सा खींच रहे थे ना सब, जना यानी आदमी, खाद यानी जिससे जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, पेड़ यानी वृक्ष, तो ये तो सब आप जानते ही है, बूटा यानी पौधा, हाथों हाथ यानी बहुत जल्दी, जोर लगाओ यानी जोर यानी बल ताकत, चिखा चिली यानी शोर, मेलजोल यानी मिलकर रहना,
आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं और गाजर का एक ड्राइंग भी करना है, ठीक है।